हम ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं नाउ वी विल कंबाइन बोथ दीज टू लर्न अबाउट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस वीडियो में हम पहले दो इन्वर्स फंक्शंस यानी साइन इन्वर्स एंड कौसाइन इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे हमने फंक्शंस में पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए वन टू वन एंड ऑन टू होना ज़रूरी है करेक्ट बट क्या ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वन टू वन एंड ऑन टू हैं चलें देखते हैं हम साइन का ग्राफ देखें तो इसमें साइन जीरो का रिजल्ट इज जीरो साइन पाए का रिजल्ट इज जीरो साइन टू पाए का रिजल्ट इज ज़ीरो साइन नेगेटिव पाए का रिजल्ट भी जीरो वॉट डज दिस मीन दैट फॉर मल्टीपल इनपुट यू हैव द सेम आउटपुट इसका क्या मतलब हुआ इट्स अ मेनी टू वन फंक्शन इसका ऑल्टरनेट तरीका यह भी है कि हम किसी भी ग्राफ को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से पास करें if that line intersects the curve at multiple points it's not a one to one function so now if all the trigonometric functions are not one to one to iska inverse kaise nikale confusion confusion here's the solution aise cases mein hum function ki domain ko restrict karte hain how do we do that let's look at the sine graph isme hame wo domain select karni hai jisme for any value of x there's a different value of y

पाई वाई टू इनक्लूसिव यहां पर हम बेसिकली वेरिएबल्स को आपस में स्वाप कर रहे हैं ग्राफिकली इट इज इक्विलेक्टिंग द साइन कर्व थ्रू द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स इसको हम एक और तरह से भी देख सकते हैं अगर हम पहले इस ग्राफ को नाइन्टी डिग्री क्लॉक वाइज रोटेट करें और फिर वर्टिकल एक्सेस के थ्रू फ्लिप कर दें वी कैन सी द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड साइन इन्वर्स एक्स इज़ अलॉन्ग द वाई एक्सिस हमने कहा था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए इट मस्ट पास द हॉरिजोंटल लाइन टेस्ट सिमिलर्ली फॉर द इन्वर्स टू बी अ फंक्शन इट मस्ट पास द वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि इन्वर्स साइन एक्स वन ओवर साइन एक्स के बराबर नहीं होता

चले अब इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं वॉट इज साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री ओवर टू हमें वो एंगल चाहिए जो साइन की ये वैल्यू जनरेट करता है वेल इफ यू रिमेंबर साइन ओवर थ्री गिव्स अस दिस वैल्यू सो साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री ओवर टू इज पाए बाय थ्री रेडियंस और सिक्सटी डिग्रीज नाउ लेट्स मूव ऑन टू इनवर्स कॉज फंक्शन यहां पर हम कॉस को जीरो से पाए तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे ये रिस्ट्रिक्शन साइन एक्स की रिस्ट्रिक्शन से मुख्तलिफ है क्योंकि साइन कॉर्डर फोर और वन में नेगेटिव से पॉजिटिव तक मूव करता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम टू लाइन वाईक्वल्स एक्स के थ्रू रिफ्लेक्ट करेंगे टू गेट द इनवर्स कॉस फंक्शन इफ दिस इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज कैन स्लो इट डाउन बाई रोटेटिंग इट नाइंटी डिग्रीज फर्स्ट एंड देन फ्लिपिंग इट अक्रॉस दर्टिकल एक्सिस दिस इज कॉस इन वर्स ऑफ एक्स वी ऑल्सो राइट एज आर कॉस ऑफ एक्स यहां पर एक्स कॉस वैल्यूज हैं और वाई उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एज वी वुड एक्सपेक्ट इसकी डोमेन नेगेटिव वन से पॉजिटिव वन है और रेंज जीरो से पाए एज एन एग्जाम्पल लेट्स फाइन द कॉस इनवर्स ऑफ वन दैट वुड बी द एंगल इन दिस इंटरवल दैट गिवज अ कॉस वैल्यू ऑफ वन विच इन दिस इंस्टेंस इज जीरो लकीली हमें ये सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है वी कैन ऑलवेज जस्ट प्लग दैम इन अ कैलकुलेटर जस्ट मेक श्योर इट्स इन रेडियन मोड किसी भी इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी यूज शिफ्ट प्लस दैट फंक्शन फॉर एग्जाम्पल Shift sine for sine inverse, shift cos for cos inverse, and so on. We plug in the sine value and it, it gives us an answer. We need to make sure we enter a valid value, otherwise, we get an error. Just remember, you may get a messy answer that will be hard to express as fractions of pi, but it will be the correct answer.